दोबारा से चारा फैसल के ऊपर जो है वो शेल बरसाने का अमल शुरू हो गया है, सांस लेना दुश्वार हो चुका है। अब कारकुनान जो है आगे की तरफ बढ़े थे, उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से शेल किए गए हैं, शेल फायर। सर साहब, ये इस वक्त कौन कौन से इलाके बंद हैं, कहां कहां एहतियात हो रहा है कराची में? पूरे पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके खिलाफ जिनको 70% रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान की आवाम सरहदों पर लड़ने के लिए देती है, आज वो इस पाकिस्तानी आवाम पर वो गोलियां चला रहे हैं। रोड की इमा पर आज जो इसमें हो रहा है, हमारे कायद को गिरफ्तार किया गया है, हम वादे मुतनबे करते हैं कि आप हमें मार सकते हैं, आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हमारे दिलों की धड़कनों से खेल रहे हैं इमरान खान से, उसको फौरी रिहा करें वरना ये पाकिस्तानी आवाम आपके काबू नहीं आए। कितने कारकुनान जख्मी है अब तक आपके पुलिस की शैली को लाठी चार्ज से? 4-5 लोग अभी हमारे हॉस्पिटल में जो 25 चीज के करीब अंदर पड़े हैं, हमारे लड़के जो लाइटली जख्मी है और 2-3 को जो है अस्पताल दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया है, कराची में 4-5 मकाम पर और भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस वक्त सारा फैसल क्या आप देख रहे हैं कि आम कराची शहरी निकल आया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ सर। सीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे हैं आप लोग, वहाँ जाने का इरादा रखते हैं सीएम हाउस की तरफ? अभी हम सारा फैसल पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह जो भी लाया अमल होगा आगे कायदीन देंगे आगे वही। तो कारकुनान के लिए क्या पैगाम है और कब तक जारी रहेगा? ठीक है, तो ये एमएनए थे सैफ रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ताओबैली साहब सीनियर सहाफी मुस्तकबिल के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। ताओबैली साहब, चारा फैसल पर इस वक्त एहतियात हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और हमें यहाँ पुलिस नजर नहीं आ रही, पुलिस पसपा हो गई है, पुलिस आपकी भाग चुकी है, पुलिस जो है वो कहीं भी कंट्रोल करती हुई नजर नहीं आ रही और यहाँ पर जो है वो आपके सामने पथराव भी हो रहा है, जलाओ घराव भी हो रहा है, शुरू में शैल बरसा है और उसके बाद फिर पुलिस भाग गई, तो क्या कहते हैं पुलिस तैयार नहीं थी इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, पुलिस तैयार नहीं थी, जो नर्सरी का स्टॉप है वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, वाटर कैनन भी मौजूद था पुलिस का और इसके अलावा पुलिस की जो इजाफी नफरी थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो हमने सूरत हाल देखी वो सूरत हाल बेहतर नहीं थी, जो जज्बा था तहरीक इंसाफ के कारकुनान का वो शिद्दत इख्तियार कर चुका था, पुलिस की जो एक कैदियों की बहन थी उसे नजर आतिश किया गया, यहाँ पर डेंजर की चौकी थी उसे उस पर पथराव किया गया और जो सूरत हाल है अभी भी हमें बेहतर नजर नहीं आ रही क्योंकि जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद नहीं है, वो पूरे शारा फैसल पर मौजूद नहीं है और इसके बिल्कुल आगे जो है सीएम हाउस है, वजीरा आला का जो है दफ्तर है वो वहाँ पर है, सिंध असम्बली आगे मौजूद है और रेड जोन का इलाका जो है अभी थोड़े से फैसले पर शुरू हो जाएगा, जो कारकुनान है वो आप देख सकते हैं उनके बहुत बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर तहरीक इंसाफ के मौजूद है, जिनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और वो यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो वो सुपर हरियत बंद है, चारा फैसल बंद है, पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर जो एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा आपको बताया इस बात है कहाँ कहाँ जो है एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इधर जो पुलिस की चौकी है उसके ऊपर भी बथराव किए जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो इस वक्त पुलिस के आपके पास इतना क्या है? शहर का मुकम्मल तौर पर मौजूद हो चुका है, सुपर हाईवे बंद हो चुका है, फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हो रहा है या मुतासर हो रहा है? छह मुकाम पर बड़े एहतजाज कराची में रिकॉर्ड किए गए, एक बैरिया टाउन में मुकम्मल तौर पर नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है, सुपर हाईवे बंद कर दिया गया, शालादीप में एक एहतजाज चल रहा है जो कि नेशनल हाईवे कहलाता है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और ये कराची की अहम शाहरा है और ये जो दफ्तर का टाइम है यहाँ पर बहुत बड़ी जो आबादी है वो यहाँ से गुजरती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एहतजाज जारी और ये मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है, जो ट्रैफिक का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया है, पुलिस जो है शुरू में कोशिश ये कर रही थी कि सड़क को खुलवा दिया जाए लेकिन कारकुनान की जो जज्बा है और जो कारकुनान की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, वो अभी भी पीछे नहीं हटते हैं। भाई आपका बहुत शुक्रिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, शैल बचाए गए उसके बाद फायरिंग भी हुई, यहाँ पर हमने हमारे साथ हनी माधव शेख भी मौजूद है, गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को, क्या मजमू सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह का गुस्सा है? इमरान खान कौन सा लीडर है, कौन एहतजाज कर रही है? ठीक है जी, देखिए मैं समझता हूँ इमरान खान को आज एक नैब के रिटायर्ड जनरल के कहने पे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, सबको 1 मई के दिन वारंट निकाला, छुट्टी वाले दिन इन्हीं के लिए खुलती है ना, इन्हीं जगह वालों के लिए, ये मुल्क हमारा।
सरकार है, हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि इस मुल्क के कायद आजम के बाद आने वाले बड़े लीडर को तशद्दुद करके, हमारी तनख्वाहों पे पलने वाले लोग तशद्दुद करके उसको लेकर जा रहे हैं। इमरान खान आज जो रेड लाइन क्रॉस कर दिए, मार दो, जान ले लो हमारी, माफ नहीं करेंगे किसी को, फौरन इमरान खान को आजाद करो, नहीं माफ करेंगे। ये सूरत हाल कब तक रहेगी? कब तक इमरान खान आजाद नहीं होगा? ठीक है, आजाद करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये एहतजाज आप देख रहे हैं, मदद शेख की जानिब से ऐलान किया गया, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क्यादत है उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में, क्योंकि छुट्टी का टाइम था, वर्किंग आवर थे, उसके बाद जब यह गिरफ्तारी अमल में आई तो जैसे जैसे लोगों को, कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को पता चल रहा है कि एहतजाज जो है वो करना है, तो कारकुनान अब जहाँ मरकजी एहतजाज है, जहाँ पर ज्यादा एहतजाज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अब कारकुनान की तादाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इजाफा हो रहा है। इस एहतजाज में जो है वो खवातीन भी शरीक है, अच्छा हजारों बल्कि बड़ी तादाद में, आप भी एहतजाज में शरीक हैं? हमारा हक है। खातून है, आपको पता है कि यहाँ तो जान को भी खतरा हो सकता है। जान को खतरा है तो क्या हुआ, जान को क्या, इन्होंने पूरी हमारी आवाम को और इस कदर इन्होंने समझ से बाहर है, क्यों कर रहे हैं, हमारे हाथ में है क्या चीज? डंडे भी हमारे पास जो है ना, हमारे झंडों के हैं, जो हम झंडे ले के लहराते हैं, बस उसमें डंडा लगा हुआ है। मेरे हाथ में क्या नजर आ रहा है, मेरा पर्स देख रहे, किस बात पे आप विषय लेंगे? हमारा हक है भाई, आजादी मांग रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग? कैद खाने में कब तक रहेंगे तुम लोगों के साथ? सब कुछ खुल के सामने आ गया है, नंगे तो तुम लोग हो चुके हो, नंगापन दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं तुम लोगों का नंगापन। मखलूज हुआ हुआ है इस टाइम, आपको पता है सारा कुछ, आपको पता है कि क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इमरान खान ने किया क्या? इमरान खान तो सही कर रहा था ना, मुल्क को बिना गरक कर दिया, चोर उचक्के सारे एक तरफ बैठे हुए, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोग मासूम जाएंगे। और मैं कहती हूँ आवाम क्यों नहीं निकल रही है, मैं उनके लिए पैगाम दे रही हूँ, मैं क्यों निकली हुई हूँ? अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए। तुम लोग नहीं निकलोगे, सारी जिंदगी रोते रहोगे। मैं तो फिर भी इस कर लूंगी कि अपने बच्चों को लेकर बाहर भाग जाऊंगी, ये इस काबिल नहीं रहेगा मुल्क, ये साफ कह रही हूँ। तुम लोग जिस तरह रहोगे ना इनके हाथों, रोते रहोगे, जो नहीं निकल रहे मैं उनके लिए कह रही हूँ, आवाम के लिए। सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये आपके जज्बात हैं, आप भी करें अपना ख्याल रखें, इसी के ये मुल्क अभी रहने के काबिल तो ये छोड़ नहीं रहे, मगर हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे इमरान खान आएंगे और वापस आएंगे, हमारी यही उम्मीद है। और जब तक इमरान खान है मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इमरान खान की पूरी क्यादत हमारे साथ खड़ी हुई है, हम हमेशा साथ देते रहेंगे जब तक हमारा दम है। शुक्रिया। और कारकुनान ने, क्योंकि यहाँ पे शेलिंग का जो अमल है वो जारी है, तो कारकुनान ने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की हुई है, ये आपने नमक लिया हुआ है क्योंकि बड़े लोग परेशान भी है, आप उनको उनकी हिफाजत कर रहे हैं जी, ये क्या है, इससे बचत हो जाती है? जलन नहीं होती आंखों के लिए। अच्छा, तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? तो ये बचत हो रही है, शेल मुसलसल पुलिस की तरफ से बरसाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बस पूरी कौम से मेरी इल्तिजा है कि यही वक्त है कि बाहर आ जाए और अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लिए बाहर निकले और इन एहतजाज में रहें। और ये फौज हमारी है, हम फौज के हैं, हम इन्हें ये कहना चाहते हैं कि आवाम के साथ खड़े हो जाएं और ये सारे गद्दारों को इस मुल्क से निकालें बाहर। फटेगा फटेगा, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है, लिहाजा आप सब देख रहे हैं यहाँ पर। मैं सारी कौम से कह रहा हूँ के बाहर निकले, अपने हक हाँ, अपने हकूक के लिए बाहर निकले। इसमें जलन बिल्कुल नहीं हो रही, हम जाके दोबारा घर से लाए। अच्छा हाँ, उसके बाद आया, अभी हमारे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ आंखों में नहीं लग रहा, बस ये है कि थोड़ा बहुत अलग में जा रहा है। तो लंबा प्लान है, लंबा लंबा, जब तक खान को रिहा नहीं करते। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और रेड लाइन क्रॉस करो तो क्या होता है? रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है, तो हमारी भी रेड लाइन क्रॉस होगी। आप इधर दिखाओ, जरा पीछे पलटो, जरा हमारी भी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। आप क्या कर रहे हैं? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, सब छोड़ छाड़ के आए हैं। अच्छा, सब छोड़ छाड़ के आए हैं। जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद तो लोग कह रहे थे देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले नहीं है बाहर एहतजाज के लिए। अभी आप देख लें, आप खुद उस तरफ कैमरा घुमाया, उस तरफ कैमरा घुमाया, पुलिस वाले तकरीबन 4-5 किलोमीटर पीछे भाग गए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी आगे की है प्लान, कारकुनान में आप कह रहे हैं कि जज्बा है, अपनी जान की फिक्र किए बगैर मुसलसल एहतजाज जारी रखेंगे, नहीं पीछे हटेंगे, नहीं पीछे हटेंगे, देर दूर में दाखिल होंगे, सीएम ऑफिस जाएंगे, गवर्नर ऑफिस जाएंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे पीछे नहीं हटेंगे। भाई सर, तमाम ये कह सकते हैं कि शहर का मरकजी तरीन मकाम है, यानी कि इसकी कोई जो अहमियत है वो आप सबसे कराची के जो अहम तरीन शाहराओं में से एक है, बल्कि सबसे ज्यादा जो अहम तरीन मशहूर तरीन शाहरा ये है,
और ये एहतजाज जो है वो तकरीबन पिछले हम देख रहे हैं कि 5 घंटे से जारी है और जज्बा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आप कहाँ से नहा के आ रहे हैं? मैं ये टैंकर के पास से आ रहा हूँ। तो क्या शेल बरसाया गया? शेल लगे आप बहुत ज्यादा बरसाया गया। क्यों खराब हुई आपकी शेल? बहुत ज्यादा धुआं भी है उधर से, फायरिंग भी हुई है और शेल बहुत ज्यादा बरस रहे, तो मुझे थोड़ा सांस का भी मसला है, तो इसलिए मैंने नमक वमक लगाया। सांस का मसला है तो उसके बावजूद भी आप एहतियात के लिए निकले हुए हैं? हमारा खान पे हमारा जान कुर्बान है, बस उसके लिए हर तरीके से हम निकलेंगे। ठीक है, हमारा जान भी हाजिर है, सब कुछ हाजिर है। यहाँ बेशतर जैसे लोगों से ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा बात हुई, उनका यही कहना है कि उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, रेड लाइन थी, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, तो उसके बाद अब कोई चीज ऐसी बची नहीं है जिसकी वजह से वो उसकी फिक्र करे, यानी कि ना जान की परवाह है और ना ही किसी अपने जाती इमलाक की परवाह है। वो एहतियात कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह उनके एहतियात का सिलसिला जो जारी रहेगा। ये जिस मकाम पर हूँ इसके एतराब में, आप चाहे वो DHA की बात करें, कुरंगी की बात करें, कयूमाबाद की बात करें, शहर पाकिस्तान, इसके अलावा नॉर्थ अहमदाबाद, नाजमाबाद, औरंगी टाउन की तरफ, बलिया की तरफ, नादरन बाईपास, नेशनल हाईवे और उसके बाद फिर सुपर हाईवे समेत तमाम जो इलाके हैं, तमाम जो शहर हैं, इस शहर कायद की जो है मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी है। पाकिस्तान के आपने तो एक एक नहीं दो दो डंडे उठाए हुए हैं, क्या वजह? बस मोहब्बत है ना खान साहब की। अच्छा, इसकी जान भी इसके लिए कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जंग का समा हो, तो कौन थे जो इस नहर तक पहुँचाने वाले थे, आवाम को यहाँ तक पहुँचा दिया? सरपसंद के लिए अमन के लिए, ये तो इसमें हुकूमत इसकी बात नहीं मानी, इसकी मुजाकरात में कामयाब नाकाम हो गई, इसकी वजह से ये हालात हो गए कि इनसे मुजाकरात मानती थी, हालात नहीं मानती थी। तो ये कब तक ये सिलसिला जारी रखेंगे? कभी ना कभी तो थक हार के बैठना पड़ेगा, आप तो गिरफ्तारी हो गई, जब तक खान साहब रहा नहीं इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ठीक है, तो मजीद लोगों से हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं। बाकी जिस तरह कराची शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, उसके अलावा शारे पाकिस्तान, उसके अलावा सुपर हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे भी जाम हो चुका है, यानी कि पोर्ट से जाने वाली जो ट्रैफिक है अंदरून मुल्क सिंध के दीगर इलाकों में जाने वाली, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। जिंदगी का जो निजाम जिंदगी है मुकम्मल तौर पर शहर का मफलूज हो चुका है। इसके अलावा हैदराबाद और सिंध के जो बड़े शहर हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। अगर पाकिस्तान के दीगर शहरों जिसमें लाहौर और उसके अलावा इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बल्तिस्तान की भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, वहां पर भी हमने देखा कि ना सिर्फ सरकारी इमलाक बल्कि आम जो पब्लिक है वो भी जो है वो इस तरह एहतजाजों की जो है वो नजर हो रही है, यानी कि जो एहतजाज हो रहा है इसमें उनको भी इस सारे सीन से गुजरना पड़ रहा है। अब जिस तरह इब्तदा में जो पुलिस और दीगर इदारों की तरफ से हमें इत्तला दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि जो है वो एक बहुत बड़ा जोरदार धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, आवाज जो है वो गूंज उठी है, लेकिन उसके बावजूद धमाका होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग टस से मस नहीं हो रहे, फायरिंग भी होती है उसके बावजूद भी टस से मस नहीं होते, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चैलेंज भी होती है तो उसके बाद भी लोग टस से मस नहीं हो रहे, यानी कि लोगों का जज्बा है कि पीछे नहीं हट रहा, लोग पीछे हट नहीं रहे, बहुत ज्यादा खौफनाक और संगीन सूरत हाल है। हम कुछ मजीद देखते हैं, बात करते हैं लोगों से। ये आप गाड़ी देखें, यहाँ पर भी कोई आम लोग नहीं है, जैसे कोई आम लोग नहीं है, बल्कि इमरान खान की ये तस्वीर भी उन्होंने आपको दिखाई कि हर रंग नस्ल और हर कौम, हर कबीले से, हर यानी के शोभा है जिंदगी से वाबस्ता जो लोग हैं वो इस एहतजाज में शरीक हैं। थोड़ा सा ये आगे इस तरफ बढ़ते हैं, हम इमरान भाई को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े, ये पीछे नजर नहीं आ रहा, यानी कि आप कुछ मीटर आगे देखेंगे उसके बाद धुआं धुआं है, कुछ नजर नहीं आ रहा, मुसलसल जो है वो धुआं आगे है और कुछ चीजों को जैसे आग इस वक्त भी लगी हुई है और आसपास की जो कारोबारी मराकज हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। शारा फैसल के ऊपर, तारिक रोड, नर्सरी और ये तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वो भी, इधर भी देखेंगे इस तरफ भी धुआं ही धुआं उठ रहा है, यहाँ पर भी जो है वो कोई चीज यानी कि हद निगाह जो है वो भी अब खत्म हो चुकी है। तो हम ये क्या सूरत हाल है, आप लोग कब तक करेंगे एहतियात? ये जब तक खान वापसी नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक खान साहब वापसी नहीं आए जब तक हम बैठे हैं। ठीक है, तो और लोग भी हैं थोड़ा सा, ये आप काफी थके थके लग रहे हैं, कोई शेलवेल लगा है क्या आपको? जी जी, तो अब कोई सांस बहाल हुई, कंट्रोल हुई? अभी गुजारा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जब तक खान को छोड़ेगा नहीं मिलते रहेंगे, भले मर भी जाए कोई मसला नहीं। ज्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, इमरान खान को गिरफ्तार किया है तो हमारे लिए जरूरी खान साहब है, खान साहब हमारे लिए जरूरी है, इस मुल्क के लिए जरूरी है खान साहब। ठीक है, तो पुलिस से कहीं मुजामत करनी पड़ी क्योंकि पुलिस तो पछबा हो चुकी है, पुलिस पीछे हट रही है, पुलिस को तो पता चल गया ना, आवाम के सामने तो तेरे को पता है पहाड़ भी नहीं टिकते, पहाड़ भी गिर जाते हैं। ठीक
पुलिस क्या चीज है, रेंजर क्या चीज है, ठीक है, इंशाल्लाह उसके सामने आवाम के सामने पहाड़ नहीं दिखते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये क्या है, ये काम आते ना इसमें पहले मतलब हम लोगों ने खराब किए थे, अभी हम भी पूरे सही है, ये खोल के देखें इसके अंदर क्या डालते हैं, ये क्या होता है, पत्थर है, पत्थर। तो ये किस तरह मारते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा इस तरह देखो अच्छा, ये यानी कि निशाने पे लगता है, बिल्कुल निशाने पे मारेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसका ट्रेनिंग बचपन से हमारे को केपीके में जो है ना हमारे को ट्रेनिंग मिल गया इसका, ठीक है। अच्छा ये पूरा खानदान सामने आप वीडियो में नजर आ रहा है, ये पूरा खानदान है, पूरी फैमिली के साथ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग पूरी फैमिली के लिए, पूरी पूरी फैमिली एहतजाज के लिए निकले हुए हैं? जी बिल्कुल, हम अपने खान के लिए निकले हैं और जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम पूरी शाहराहों को बंद कर देंगे, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें ना मंजूर, इनको अब इनके घर भेज के रहेंगे। यहाँ तो जान को भी खतरा होता है, आपको पता है कि जिस तरह बाहर फायरिंग भी हो रही है, शेलिंग भी हो रही है, पथराव भी हो रहा है, खान के लिए जान भी हाजिर है, खान के लिए हमारी तकरीबन 70 से 75 साल जब से पाकिस्तान बना है ना, पहला लीडर आया जिसके लिए दिल कर रहा है कि अपनी जान, अपनी नस्लें, अपनी औलादें सब कुर्बान कर दें, खान के लिए जान भी हाजिर है। इस नालायक और घटिया और नीच वो बदचलन और बदकिरदार और उसके बाप को हम बताना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज़ आओ, इंशाल्लाह हम खान के साथ ही हैं और खड़े रहेंगे, जब तक खान साहब को रिहा नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, ठीक है। और लोगों से भी बात करेंगे, अब जहाँ पर हजारों की तादाद में चारा फैसल के ऊपर हजारों की तादाद में जो कारकुनान है वो इस तरफ भी नजर आ रहे हैं, यानी कि चारा फैसल के जो दोनों ट्रैक हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, ताहद निगाह जो है वो बगैर बुलाए इनका ये कहना है कि हमें किसी ने कॉल नहीं दी, हम खुद एहतियात के लिए निकले हैं। और इसके अलावा अगर इस तरफ की बात करें जो मेट्रोपोल जाने वाला रास्ता है तो ये भी मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ बंद है बल्कि ताहद निगाह आपको कारकुनान ही कारकुनान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नजर आ रहे हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद जो अपडेट्स है, मजीद जो सूरत हाल है वो उससे भी आपको आगाह करते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुभान साहिल हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं। सुभान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितना बड़ा एहतजाज हो रहा है, कौन कौन चला रहा है? पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और जो एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किरदार है वही किरदार अमेरिका, इसराइल और भारत का है। पाकिस्तान में अनार्की पैदा करना चाहती है बैनुल अक्वामी कुव्वतें और ये उनके बलबूते पर इस मुल्क के अंदर अनार्की पैदा करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर बोरानों से दो चार है, आईनी बोरान से दो चार है और इस दौरान एक साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान पर जो इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है 150 FIR काटी गई है और उसमें दहशतगर्दी की FIR, बगावत की FIR और ये सारी दो नंबर और झूठे FIR है। उसके बावजूद इस मुल्क का मकबूल लीडर अदालतों में पेश हो रहे हैं, अंदाजा इस बात से लगाए शर्म आनी चाहिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कि अदालत के अंदर से साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाता है। इनका मकसद सिर्फ यह है कि इस मुल्क में अनार्की हो, इंतशार हो और ये मुल्क अनार्की की तरफ जो है वो धकेला जाए और ये काफी अरसे से बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की कोशिश है इस मुल्क के अंदर अनार्की पैदा हो जाए। अच्छा यहाँ पर सुमान साहब देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, काफी सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया, कारकुनान को क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? देखे ये हम बहुत पहले कह चुके थे इनको कि आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे तहरीक इंसाफ के वर्करों को, पहले हम कह चुके थे कि इमरान खान को आप ना लगाओ वरना आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, ये कंट्रोल से बाहर हो चुके, इनको कोई लीडर नहीं रोक सकता है। तो अब आगे कहां जाने का इरादा है? बस निकल पड़ चुके हैं, बिलावल हाउस जाए, वजीर आला हाउस जाए या किसी और हाउस में जाए, लेकिन निकल चुके। तो अब इस वक्त शहर कराची जो है किन किन मकामात पर बंद है? पूरा कराची बंद है और मैं अपील करूंगा कराची की आवाम से कि अपने घरों से निकले, रोडों पर आए, पुरमन एहतियाज करें और कल पूरे कराची को बंद कर दें। सुभान साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये तो मरकजी रहनुमा थे सुभान साहिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि पुराने दरीना कारकुनान और उनके रहनुमाओं में से शामिल है। तो अब ये बहुत बड़ा काफिला आगे की ट्रैफिक, चूंकि आगे बिलावल हाउस है, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस भी आगे है, तो ये काफिले की शक्ल में आगे की तरफ जा रहे हैं बड़ी तादाद में, चूंकि ये काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो कारकुनान पैदल चलते हुए, पैदल मार्च करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और आगे इससे अलावा अगर हम सामने की बात
बात करें तो सामने भी बड़ी तादाद में यानी कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो है वो इमरान खान से इजारा यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। कारकुनान जो है बड़ी तादाद में न सिर्फ उन्होंने झंडे उठाए हुए हैं डंडे उठाए हुए हैं, इसके अलावा हिफाजती इकदाम यानी कि खुद को बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार भी की हुई है, जैसे नमक है पानी है क्योंकि मुसलसल हम देखेंगे शैलिंग होती है। अच्छा उसमें खास बात यह है कि जैसे 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 जो है वो कारकुनान आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस मजीद पसपा होकर पीछे की तरफ जा रही है यानी कि मेट्रोपोल और दूसरे इलाकों की तरफ जा रही है। तो ये काफिला आपको नजर आ रहा होगा कि अब ऐसा लग रहा है जैसे ये ना रुकने वाला सिलसिला है क्योंकि पुलिस ने इब्तदा में नर्सरी के मकाम पर इनको रोकने की कोशिश की, वहां पर पुलिस नाकाम हुई और उसके बाद फिर पुलिस की नाकामी का सिलसिला हमने देखा कि मुसलसल खत्म होता है और पुलिस आगे की तरफ बढ़ जाती है और कारकुनान मजीद जो है पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं।